राधे कृष्ण आप सभी को, राधे राधे। लड्डू गोपाल मॉम चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनामिका भारद्वाज, जहाँ मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ बहुत सरल तरीके से पूजा पाठ की विधि। आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ होई अष्टमी की पूजा विधि। होई अष्टमी की पूजा में किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, व्रत पहली बार रख रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, हमें श्यामा माता की माला पहननी चाहिए, जानते पूरी जानकारी। होई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठिएगा, अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इस दिन हम सुबह के समय भी ये चौकी लगा सकते हैं, नहीं तो जब तारे उदय होते तो तब ये चौकी लगाई जाती है। तो जगह को अच्छे से लीप लीजिएगा, पवित्र कर लीजिएगा। यहाँ पे लकड़ी का एक पाटा लिया जिस पर मैं लगा रही हूँ ये लाल कपड़ा, तो लाल या पीला कोई भी आप आसन ले सकते हैं जिसपे हम होई माता की तस्वीर को रखते हैं। तो तस्वीर रखने से पहले हम इनको आसन देते हैं, तो अक्षत का हमने आसन दिया। आप होई अष्टमी की तस्वीर को भी ले सकते हैं, नहीं तो दीवार पे आप गेरू से होई अष्टमी श्यामा माता की तस्वीर बना सकते हैं। यहाँ पे गणेश जी का भी स्थान देंगे, तो गणेश जी का स्थान देने के लिए यहाँ पे थोड़े से अक्षत रखे, फिर उसके बाद मैंने गणेश जी को स्थान दिया। तो यहाँ पे गणेश जी को प्रणाम करके हम अपनी पूजा का संकल्प लेते हैं। होई अष्टमी की पूजा में हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है सबसे पहले वो दिखा रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे होई अष्टमी में हमें गड़वी चाहिए होती है दो जोड़े के साथ, जो मिट्टी की होती है, आप पीतल की भी ले सकते हैं। तो यहाँ मिट्टी का दीपक है साथ में इसके ऊपर, तो ये दो, एक बड़ी और एक छोटी, तो दो जोड़े के साथ ली जाती है जिनके ऊपर हम कनक और सिंगाड़े रखते हैं। तो यहाँ पर ये गड़वी ज़रूर रखी जाती है इस पूजा में, और इस ढक्कनों के ऊपर रखते हैं हम कनक। तो कनक और सिंगाड़े रखे जाते हैं ढक्कनों के ऊपर, भर के रखा जाता है, और कलश के अंदर हम पानी जल भरते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कलश की स्थापना करते हैं। कलश के ऊपर रखा जाता है ये मिट्टी का दीपक, जब तारे उदय होते हैं तो हम इन्हीं से पूजा करते हैं। और कलश पे हम हल्दी लगाते हैं, तो आज के दिन हल्दी का प्रयोग किया जाता है, और हल्दी कलश के ऊपर अपना थापा भी लगा सकते हैं हाथों का, नहीं तो हल्दी का लेप लगा के, नहीं तो स्वास्तिक बना सकते हैं। और इसके बाद हमें कलावा बांधना होता है, और सबसे ज़रूरी होती है होई अष्टमी की पूजा में श्यामा माला। तो ये श्यामा माला यानी कि होई अष्टमी का जो पेंडल होता है जिसमें श्यामा माला अपनी संतानों के साथ है, जिसमें हर साल दो मोती नए पिरोने होते हैं हमें। तो होई अष्टमी की पूजा में ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप व्रत रख रहे हैं तो अपनी जितनी भी संतान है उनके नाम के हर साल ये दो नए मोती पहनने होते हैं। होई अष्टमी की पूजा में श्यामा माला को जरूर पहना जाता है, चांदी के होते हैं ये, और ये सुनार की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाते हैं। साथ में आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे हमें भोग प्रसाद क्या क्या चाहिए होता है। तो देखिए, फल लेंगे, ये गुलगुले लेंगे, तो फल में आप कोई भी फल लीजिएगा, फूलमाला लीजिएगा, लेकिन ये मीठे जो आटे के गुलगुले बनाए जाते हैं इनको ज़रूर लिया जाता है इस पूजा में, और ये साथ लेने होते हैं। यहाँ पे सात गुलगुले लेंगे भोग के लिए, और यहाँ पे सासू माँ का बायना आज के दिन भी निकाला जाता है, जैसे हम करवा चौथ पे बायना निकालते हैं बिल्कुल इसी तरीके से सासू माँ का ये बायना निकाला जाता है, जो पूजा के समय हम उनको बाद में पैर छू के देते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी खाना बनाते हैं उन्हें सात पूड़ी सोलह पूड़ी करके हम उनको बायने में देते हैं, साथ में ये गुलगुले जो बनाते हैं वो हम बायने में सासू माँ के पैर छू के देते हैं। तो बायने में आपने साड़ी लेनी है, सोलह सिंगार लेना है, तो आप कपड़े कोई भी ले सकते हैं जो आपकी सासू माँ पहनती है, और सोलह सिंगार जरूर रखा जाता है, साथ में दक्षिणा रखी जाती है, और जो भी हमने भोजन बनाया वो हमें बायने में देना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें बायने में ज़रूर देनी होती है। चलिए अब करते हैं पूजा। तो यहाँ पर पूजा करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से अक्षत लिए जिनकी ढेरी बना के कलश को उन पर स्थापित करूँगी। तो यहाँ पर रंगोली बना सकते हैं, अष्टदल कमल बना सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से चावलों की ढेरी रखेंगे, और दोनों कलशों को एक के ऊपर एक रखते हैं। साथ में इस पर हल्दी से स्वास्तिक या हल्दी का लेप लगाया जाता है। तो यहाँ पर जल हमें भरना है इन दोनों कलशों में जिसमें हमने पहले स्वास्तिक बनाया है, साथ में रोली बांधी है, और हल्दी साथ में अक्षत और दक्षिणा रख के हमें ये कलश भरना होता है। तो कलश भरने के बाद हमने इस ढक्कन को रखा, और ढक्कन रखने के बाद हम इसके ऊपर रखते हैं ये सात सिंगाड़े। तो बड़े वाले कलश के ऊपर हम सात सिंगाड़े रखते हैं, फिर हमने हल्दी से फिर से दोबारा टीका किया है सात बारी, और इस तरीके से अच्छे से लिपने के बाद हम यहाँ पे छोटी गड़वी रखेंगे जिसके ऊपर रखते हैं हम कनक और फिर दीपक। तो मिट्टी का दीपक रखा जाता है कलश के ऊपर। पूजा करने के लिए संकल्प लिया जाता है जिसमें हमें जल ग्रहण करना होता है, तो आज के दिन हम जल ग्रहण नहीं करेंगे, उसे धरती पर अर्पण कर देंगे। साथ में हम यहाँ गणेश जी की पूजा कर रहे, तो फूल लिया जिसमें मैंने रोली सिंदूर अक्षत और वस्त्र रूपी कलावा देके भगवान गणेश जी का ध्यान करके हमने गणेश जी को फूल अर्पण किए, साथ में यहाँ पे दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम तिलक करते, तो आज के दिन हल्दी से तिलक किया जाता है, तो लेकिन गणेश जी भगवान जी को हम लाल सिंदूर का तिलक लगाते हैं, जनेऊ पहनाते हैं, हरी दुर्वा अर्पण करते हैं, उसके बाद हम होई अष्टमी माता को तिलक करेंगे। तो यहाँ पे होई अष्टमी माँ को भी हम हल्दी का तिलक लगाते हैं, और उनकी जितनी भी संतान है सात संतानों को हम यहाँ पर हल्दी का टीका लगाते हैं, और सात माताओं को हम तिलक करते हैं। तो इस तरीके से हमने तिलक किया, फिर उसके बाद हमने माला अर्पण करी है होई अष्टमी माता को।
फलों में हम कोई सा भी फल ले सकते हैं, मौसमी फल लीजिएगा, लेकिन देवी माँ की पूजा में हमेशा लाल फलों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने सेबों को ले रखा है जो मौसमी फल है। अभी भी हम देवी माँ या भगवान जी को भोग लगाते हैं तो उन पर जल के छींटे जरूर देने चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने जो फल रखे उन पर जल के छींटे दे दिए। अब बारी आती है होई अष्टमी स्याओं माला पहनने की। तो होई अष्टमी की स्याओं माला पहनने की जो नियम है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ सबसे ज़रूरी होती है होई अष्टमी की पूजा में श्यामा माला का पैंडल। तो ये श्यामा माला का जो पैंडल होता है ज़्यादातर मैके से आता है, अगर मैके से नहीं आ सकता तो आप इसको स्वयं भी ले सकती है। चांदी का होता है जिसमें श्यामा माता अपने संतानों के साथ होती है, और ये जो दो मोती होते हैं हर साल हमें अपने संतान के नाम के नए लेने होते हैं। तो यहाँ पे ये जो मोती लिए जाते हैं तो ये बढ़ा के लिए जाते हैं, जैसे कि आपके बच्चे की उम्र 5 साल है तो आप 6वें साल की यानी कि 1 साल बढ़ा के लेंगे, तो यहाँ पे 5 साल कंप्लीट हो गए तो आप 6वें साल के नाम के आप 2 मोती लेंगे, तो आपके 2 बच्चे हैं तो आप 4 मोती लेंगे। और इन मोतियों को अगर आपने पहले से व्रत रखा है और आप नहीं पहन पाए हैं कभी, तो आपका बच्चा 5वें साल में है तो आप इसको पहनिएगा, नहीं तो आप 11वें साल में पहन सकते हैं। तो इस तरीके से ये मोती अगर आप पहली बार व्रत रखे और नहीं पहन पाए हैं किसी कारण से तो आप ये 5वें साल या 11वें साल में पहन सकते हैं। यहाँ पे जब हमारी पूजा संपन्न हो जाती है, तारे उदय होते हैं, तो हम छोटे वाले कलश से तारों को अर्घ देते हैं, अपने व्रत का पारण करते हैं अपने बच्चों के हाथ से, और जो हमने कलश पे श्यामा माता का पैंडल डाला हुआ है उसको हम अपने गले में धारण कर लेते हैं और ये पूरे 8 दिन पहनते हैं जब तक दिवाली ना बीत जाए। तो दिवाली बीतती है उसके अगले दिन शुभ मुहूर्त देख के हम गाय के कच्चे दूध के छींटे देके उसको अपने गले से उतारते हैं, और जो बड़े वाला कलश है वो दिवाली के दिन सुबह के समय हम इससे अपने बालों को धोते हैं, बच्चों की आँखों पर लगाते, साथ में पूरे घर में इस जल के छींटे देते हैं। तो इस तरीके से बड़े वाले कलश को भी हम उठाते हैं। पहली बार अगर ये व्रत आप रख रही हैं तो आप होई अष्टमी पे पहली बार ये श्यामा माता के पैंडल ले सकती हैं अपने संतानों के नाम का। तो 2 जोड़े के साथ हर साल ये मोती बदले जाते हैं, और सबसे ज़रूरी बात है कि जब हम ये व्रत करते तो उस दिन कुछ नियमों का हमें पालन करना होता है, तो जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे व्रत वाले दिन हमें मिट्टी नहीं खोदनी होती है, यहाँ पे हमें सिर नहीं देखना होता, जुएँ किसी की नहीं देखनी होती है। साथ में सबसे ज़रूरी बात, अगर होई अष्टमी का आपने व्रत रखा है तो आप उस दिन बिल्कुल भी सुई में धागा मत डालिएगा, ना ही आप ये होई अष्टमी की माला के मोती को पिरोइएगा। तो उस दिन अगर आप पिरो रही हैं तो किसी से सहायता लीजिएगा, यहाँ पे आप 1 दिन पहले से नए कलावे में आप ये मोती पिरो सकते हैं, नहीं तो आप उस दिन किसी और से सहायता ले सकते हैं। इस पूजा में जब हम कथा पढ़ते हैं तो अपने हाथ में 7 कनक जरूर रखिएगा। तो यहाँ पे 7 कनक के दाने रखे हैं मैंने, और एक कलश लिया, और कथा आप स्वयं भी पढ़ सकती हैं, नहीं तो कोई सुनाने वाला तो आप उनसे ज़रूर सुनिएगा। तो यहाँ पे होई अष्टमी की कथा को ज़रूर पढ़ा जाता है, इन सुना जाता है। कथा पूरी होने के बाद हम ये जो 7 हाथ में हमने कनक के दाने लिए हैं उन्हें अपने चुन्नी साड़ी के पल्लू में बांध लेंगे, और जब तारे उदय होंगे रात्रि में तो उनको अर्घ देते हैं इन्हीं कनक के दाने से। और यहाँ पे नज़र फेरी जाती है बच्चों की कलश से, तो यहाँ पे नज़र भी फेरी जाती है कलश से इन कनक के दानों से, तो उस दिन बच्चों की नज़र ज़रूर उतारिएगा। और फिर इसके बाद हम भोग प्रसाद में जो हमने ये गुलगुले बनाए हैं आटे के उनको भोग लगाते हैं, साथ में आप पेठे का भी भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप दूध और भात का भोग भी लगा सकते हैं, तो इनमें से कोई सा भी लीजिएगा। और ये जो हमने सासू माँ का बायना निकाला वो भी हम होई अष्टमी माता को अर्पण करते हैं। तो इस तरीके से 7 बारी अर्पण करेंगे, तो हर चीज़ 7 बारी की जाती है। यहाँ पर मान्यता ये है कि जिनकी संतान नहीं होती अगर वो होई अष्टमी का व्रत करे और ये दूध भात का भोग लगाए, साथ में यहाँ पे पूजा विधि पूर्वक करे, तो उनको संतान की वृद्धि होती है, इसलिए यहाँ पे संतान की वृद्धि के लिए ये होई अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए जिनके पास संतान नहीं है। होई अष्टमी की पूजा बच्चों की दीर्घायु उनके मंगल कामना के लिए की जाती है, तो सभी माताओं के बच्चों की दीर्घायु उनके ऊपर से सारी बुरी भलाई दूर हो यही कामना करते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरे ये पूजा पाठ के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। वीडियो अच्छे लग रहे तो इन वीडियो को लाइक करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी के साथ मैं ऐसी पूजा पाठ की वीडियो लेके आती रहती, तो जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।